मूली पराठे वाला। विकास नाम के लड़के ने एक बड़े ही अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी और अब वो एक अच्छी सी नौकरी की तलाश में था। उसने हर बड़ी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दिया, पर उसे कहीं भी किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिली, जिससे वो उदास हो जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे कहीं ना कहीं तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। और फिर अगले दिन वो दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए जाता है, पर उसे वहां भी नौकरी नहीं मिलती और वो उदास मन से घर वापस आ जाता है। उसकी माँ उदास चेहरा देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ विकास, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब क्या बताऊं मैं, आज भी मुझे नौकरी नहीं मिली। मैंने हर जगह नौकरी के लिए ट्राई किया, पर कोई भी मुझे नौकरी नहीं दे रहा। इतनी पढ़ाई लिखाई करके और इतनी सारी डिग्रियां लेकर क्या फायदा, जिससे मुझे नौकरी ही ना मिल सके। दिल छोटा नहीं करते बेटा, तुझे कहीं ना कहीं नौकरी जरूर मिल जाएगी। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं, पर विकास को कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिलती। मैं ऐसे कब तक अपनी माँ के ऊपर बोझ बना रहूंगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर मैं क्या करूं? ये सब सोचते हुए विकास अपने घर की ओर जा रहा था। उसे भूख भी लगी थी, तभी उसे एक ठेले वाला दिखाई देता है। पहले कुछ खा लेता हूँ, भूख भी लगी है। फिर विकास उस ठेले वाले के पास जाता है, जो आलू के पराठे बनाकर बेच रहा था। अरे भैया, जरा 2 आलू के पराठे तो देना। अरे अभी लो बाबूजी। फिर वो ठेले वाला विकास को 2 आलू के पराठे, सब्जी और चटनी देता है। ये लो बाबूजी, आपके आलू के पराठे। विकास का 2 आलू के पराठे खाकर पेट एकदम फुल हो जाता है। आलू के पराठे खाकर तो मेरा पेट एकदम फुल हो गया। उस ठेले वाले के आलू के पराठे थे ही इतने स्वादिष्ट और भारी कि जो कोई उसके 2 आलू के पराठे खा ले उसका पेट एकदम फुल हो जाए, और साथ में उसकी चटनी उन आलू के पराठों का स्वाद और भी दुगना कर रही थी। वाह, आलू के पराठे तो खाकर मजा ही आ गया। तभी विकास उस ठेले वाले से कहता है, भैया आपके आलू के पराठे तो एकदम लाजवाब हैं। वैसे कितने पैसे हुए? ओ जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, 20 रुपए हुए जी। विकास ठेले वाले को देखकर हैरान होता है। क्या तुम पढ़े लिखे हो? ठेले वाला पूछता है। वाई व्हाट हैपेंड, क्यों कोई पढ़ा लिखा इंसान आलू के पराठे नहीं बेच सकता क्या? नहीं वो मेरा मतलब वो नहीं था। ओ बाबूजी, मैं भी आपकी तरह पढ़ा लिखा हूँ, पर कहीं भी नौकरी ना मिली। मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां होते हुए भी मेरे किसी काम की नहीं। मैं गरीब घर से था, मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, पर मैं उसके किसी काम ना आ सका। मैंने नौकरी ढूंढने की हर कोशिश की, पर मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। फिर मैंने ठेले पर आलू के पराठे बनाना चालू कर दिया, जिससे मेरे घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, और आज देखो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। सही कहा तुमने, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने वाले की लगन होनी चाहिए। फिर विकास अपने घर चला जाता है और वो पूरी रात उस ठेले वाले के बारे में सोचता रहता है। अगर वो ठेले वाला पढ़ा लिखा होकर भी आलू के पराठे बेच सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, विकास अपनी माँ से कहता है, वो माँ मुझे कोई काम नहीं मिल रहा, तो माँ मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं किसी चीज का ठेला लगा लूं। अरे बेटा, तू पढ़ा लिखा होकर ये काम कर पाएगा? माँ मुझे बताओ इसमें हर्ज ही क्या है? अरे माँ, घर पर खाली बैठने से तो अच्छा है कि मैं ठेले पर कुछ ना कुछ बेचा करूं। पर माँ मुझे कुछ बनाना भी तो नहीं आता जो मैं ठेले पर बेच सकूं। हाँ एक चीज है जो तू बड़ी अच्छी तरह बनाता है, मूली के पराठे। अरे हाँ माँ, मैं ठेले पर मूली के पराठे बनाकर बेच सकता हूँ। माँ अपने बेटे विकास की बात से बड़ी खुश होती है। तो फिर ठीक है, मैं कल से ही ठेले पर मूली के पराठे बनाकर बेचा करूंगा। फिर क्या था, अगले ही दिन से विकास भी ठेले पर मूली के पराठे बनाने लगता है, और वो अपने मूली के पराठों के दाम भी 15 रुपए में 2 पराठे रखता है। साथ ही पराठों के साथ
खाने के लिए दही, चटनी और पराठों के ऊपर थोड़ा मक्खन भी डाल देता है, जिससे पराठों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और तभी उसके ठेले पर एक आदमी आता है। अरे भैया, जरा मूली के दो पराठे तो देना। अभी अभी देता हूँ। ये लीजिए साहब, आपके गर्मा गर्म मूली के पराठे। जैसे ही वो आदमी विकास के मूली के पराठे खाता है, वाह, अरे भाई क्या स्वाद है, मैंने आज से पहले इतने बढ़िया मूली के पराठे नहीं खाए। भैया एक काम करो, और दो पराठे पैक कर देना। विकास उस आदमी से अपने पराठों की तारीफ सुनकर खुश हो जाता है और दो पराठे पैक करके उसे दे देता है। ये लीजिए सर जी, आपके मूली के पराठे। ओके। अरे भैया, तुम पढ़े लिखे हो क्या? विकास उस आदमी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। यस सर। फिर वो आदमी विकास को पराठों के पैसे पकड़ा कर चला जाता है। तभी विकास के चेले पर एक लड़का आता है। भैया दो मूली के पराठे देना। जी अभी देता हूँ सर। विकास जल्दी से गर्मा गर्म मूली के पराठे बनाता, उस पर मक्खन डालकर दही चटनी के साथ उसे खाने के लिए देता है। जैसे ही वो लड़का मूली के पराठे का टुकड़ा मुंह में डालता है, वाह इतने स्वादिष्ट मूली के पराठे, वो भी मक्खन और दही चटनी के साथ, खाकर मजा ही आ गया। भैया आपके मूली के पराठे तो बहुत बढ़िया है। ओह थैंक यू सो मच सर। लड़का विकास के मुंह से थैंक यू शब्द सुनकर हैरान होता है। ये भाई साहब पढ़े लिखे होकर मूली के पराठे बेच रहे हैं। फिर वो लड़का विकास को पराठों के पैसे देता है और चला जाता है। इसी तरह शाम तक विकास के मूली के पराठे बिक जाते हैं और वो अपना ठेला लेकर घर चला जाता है। माँ माँ ये देखो मेरी आज की कमाई, जो मैंने मूली के पराठे बेच कर कमाई है। माँ खुश हो जाती है। बेटा ये तेरी मेहनत और लगन की कमाई है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। और अगले दिन विकास अपने ठेले पर मूली के पराठे बनाकर लोगों को खिलाता है। जो कोई भी उसके पराठे खाता तो बस खाता ही रह जाता और साथ ही उसकी तारीफ किए बगैर नहीं भूलता। जो कल उसके ठेले पर उसके बने मूली के पराठे खाने आए थे, वो आज फिर उसके ठेले पर मूली के पराठे खाने आते हैं। अरे भैया दो मूली के पराठे तो देना। अरे आपके पराठे इतने स्वादिष्ट थे कि मुंह से उसका स्वाद जा ही नहीं रहा था, इसलिए मैं आज फिर आपके हाथ के बने मूली के पराठे खाने चला आया। विकास मुस्कुराते हुए कहता है। Why not, sir? जी, अभी देता हूं। Just a minute. तभी उसके ठेले पर कल वाला आदमी आता है और उसे मूली के पराठे मांगता है। अरे भैया कैसे हो, मुझे भी दो पराठे देना। तुम्हारे पराठे इतने अच्छे लगे मेरी बीवी को कि उसने आज मुझसे फिर से पराठे मंगवाए हैं। जी सर, मैं अभी आप दोनों के लिए गर्मा गर्म मूली के पराठे पैक कर देता हूँ। अब तो इसी तरह विकास के ठेले पर हर कोई उसके हाथ के मूली के पराठे खाने आने लगा था। विकास का स्वभाव और उसके मूली के पराठों का स्वाद भी इतना बढ़िया था कि हर कोई उसके ठेले पर उसके हाथ के मूली के पराठे खाने चला आता। अब तो इसी तरह विकास की दिन पर दिन अधिक कमाई होने लगी थी। और फिर कुछ दिनों बाद उसने एक छोटी दुकान खोल ली और उसने मूली के पराठे बनाने के लिए दुकान में एक नौकर भी रख लिया था। विकास उस आलू के पराठे वाले की बात हमेशा याद रखता। मैं आज जो कुछ भी हूँ उस आलू के पराठे वाले की वजह से हूँ। सही कहा था उसने, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। काश मेरी तरह हर कोई ये बात समझ पाता। आज विकास मूली के पराठे बेचकर जितना कमाता था उतना वो कभी नौकरी करके नहीं कमा पाता। उसे कभी अफसोस नहीं हुआ कि वो पढ़ा लिखा होकर मूली के पराठे बेच रहा है। विकास आज छोटे से ठेले पर मूली के पराठे बेचकर बहुत बड़ा आदमी बन चुका था और वो अपनी माँ के साथ आराम की जिंदगी जी रहा था।